हाय मनाल भी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास यहाँ पे एक अदद केमिकल मौजूद है, इसको कहते हैं फेरस क्लोराइड। दोस्तों फेरस क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है FeCl2 और ये मैंने घर पे ही बनाया है। दोस्तों ये सेवरेज के पानी को साफ सुथरा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर डाइंग में इस्तेमाल होता है और मेटलर्जी में भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इसको हम घर पे ही बनाएंगे और ये मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लेते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों मैंने ले लिया यहाँ पे एक चीनी का प्याला और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब, जिसका फॉर्मूला है HCl। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। अब दोस्तों इसके अंदर एक मैंने बोल डाल दिया है जो कि लोहे का है। तो दोस्तों इसका लोहा जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा और एक दो थर्मिक रिएक्शन होगा, इसके बाद बनेगा फेरस क्लोराइड। तो दोस्तों आधा घंटा रखने के बाद आप देख सकते हैं ये मेलोल कुछ पीला पीला सा हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया पानी ताकि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। तो दोस्तों इस पानी को भी हम रख के छोड़ देंगे, ये आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। देखें दोस्तों फाइनली हमारा जो है बोल्ट उसका कलर भी ऐसा हो गया है, यानी कि ये कुछ सिल्वर कलर का हो गया है, जंग इस पे से हट चुका है। और दोस्तों ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट।